नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैंडर स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ये डीमैट्स नहीं है तो यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर। एंड हम लोग एक काम करेंगे, जो डेली रूल्स फॉर ट्रेडिंग है इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। स्टडी करने के बाद हम अच्छे से इसको मार्केट में अपनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी दिन आपको मार्केट या स्टॉक के ट्रेंड के बारे में नहीं पता चल रहा है, डू नॉट ट्रेड। जो अभी चल रहा है इम्पोर्टेंट है ना, बहुत दिन पहले से मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़। जब अभी का स्थिति है, इस सिचुएशन है ऑप्शन मतलब जो इंडेक्स में, तो अभी कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा एक बार। विल गो टू डायरेक्ट चार्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 सबसे बेकार है अभी आज के डेट में सर, एकदम ही बेकार। क्यों? कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ट्रेड करने लायक बनेगा नहीं। आप कोई भी प्रीमियम लो दोस्तों, जस्ट एक दो पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उतना रिस्क लेना नहीं है। प्रीमियम जबरदस्त डीके हो रहा है दोनों साइड में, तो ट्रेड नहीं बनता है। सेम इन केस बैंक निफ्टी में भी आप देखो, दो दिन पहले एक दिन तो चलो फिर भी एक दो स्कैल्पिंग अच्छा मिल गया, या भी तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना दोस्तों, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इतना रिस्क लेके फायदा नहीं है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर देखा जाएगा आगे, ठीक है। आज जो फिन निफ्टी था वो भी एक तरह से बेकार ही था दोस्तों, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेड एज पर एक्सपेक्टेशन यहाँ से अगर लग रहा था कि ब्रेकआउट हो, मतलब यहाँ ब्रेकआउट वो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ से इसका जो ये रेजिस्टेंस है 19650 उसके ऊपर ये जाएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन घंटा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो रिस्क लेके फायदा नहीं है, पैसे को बचाइए। हमारे पास स्टॉक्स है ना दोस्तों, स्टॉक्स में करो। जैसे आज भारतीय एयरटेल पे था, ठीक है, भारतीय एयरटेल पे उसने अच्छा अपना 976 का जो टारगेट था उसने अपना पूरा किया, ठीक है। लेकिन जो भी है ये मेरे को बचाना अच्छा नहीं लगता है। जो भी है स्टॉक्स में आप करिए, नहीं करना है चुपचाप देखिए मार्केट को, यू विल बी बेनिफिटेड। सो कल का जो इंटरडे स्टॉक रहेगा वो दोस्तों MFSL। MFSL में अपने एक वो हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद इसने क्या किया, एक यहाँ पे पेनेंट पैटर्न आवली चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो पेनेंट पैटर्न बहुत अच्छा होता है, यहाँ से क्लियरली अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक होगा। तो अपसाइड का टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा है और डाउनसाइड का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये साइडवेज में रहता है दोस्तों तो नो ट्रेड, जबरदस्ती नहीं घुसना है। अगर साइडवेज है तो नहीं घुसना है, रिमेम्बर। अगर आपको क्लियर अप मिल रहा है या क्लियर डाउन मिल रहा है तो वहीं पे ही आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का, ठीक है। आज आपको दो चार स्टॉक्स और भी दे रहे हैं, उसमें आप देखिएगा, अगर ठीक लगे तो करिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए कल मैंने एक शॉर्ट टर्म स्टॉक दिया था गैब्रियल, गैब्रियल आज भी ऐसा ही चला दोस्तों। देखिए एक फ्लैग एंड पोल के बीच में ही चलता गया, जब तक ये चल रहा है ये हमारा टारगेट में ही रहेगा, बाइंग के टारगेट पे, ठीक है, जब तक ये ऐसे चल रहा है। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म स्टॉक्स और एक है जो केसोराम में भी मुझे ठीक ठाक लगा। यहाँ पे आप एक बाइंग देख सकते हैं इसमें, केसोराम इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एक देख सकते हैं क्योंकि ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, शायद यहाँ से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ जाए, है कि नहीं। जो भी मिल जाए, छोटा सा स्टॉक है ये, छोटे प्राइस का है। और ओबेरॉय रियल्टी जो है दोस्तों, इसमें हम लोग एक ऑप्शन का हम देख सकते हैं, ठीक है। जो भी है रिस्की ट्रेडर जो भी है उसके लिए है दोस्तों, जो सेफ ट्रेडर है उसके लिए नहीं, सेफ ट्रेडर के लिए सिर्फ MFSL है। आराम से ट्रेड कीजिएगा MFSL में, और जो थोड़ा सा रिस्की है तो इसमें हम लोग देखना है कि 1410 के ऊपर हम लोग एक बाइंग का सोचेंगे ऑप्शंस में, ठीक है, और 1387 के नीचे हम सेलिंग का सोचेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो ये देख के हम लोग चलेंगे, आराम से ट्रेड करेंगे, ओके। एंड MFSL अच्छे से ट्रेड करना है, और बाद बाकी जो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब है, इसमें जब तक हमें कोई क्लियर कट यहाँ पे हमें नहीं दिखता है कि क्लियर कट यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिलता है तो हमें बिल्कुल अवॉइड करके चलना है, नहीं तो फिर पैसे फंसेंगे, ठीक है, समझ में आया। सो दोस्तों भाई अच्छे से ट्रेड कीजिएगा और बने रहिएगा अपने इस दोस्त के साथ। थैंक यू।